असलकुम। हम लोग जो प्रोग्रामिंग सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो है C++। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे लेक्चर्स की जो सीरीज़ होगी, वीडियो लेक्चर्स की, इसमें हम बेसिक फंडामेंटल सीखेंगे कि C++ में हम लोग प्रोग्राम्स किस तरीके से करते हैं, कौन सा कंपाइलर हम लोग यूज़ करते हैं और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये प्रोग्रामिंग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग आप थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं कि C++ होती क्या है, और बाकी फर्दर मोर जो इसका कंटेंट है वो भी देख लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर फर्दर किन किन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर हम लोगों का पहला इंट्रोडक्शन होगा कि C++ की हिस्ट्री के बारे में पता बात की जाएगी कि C++ का बानी कौन है, किसने C++ बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो बेसिक्स स्ट्रक्चर है C++ का वो क्या है, उसमें हम लोगों ने सिंटैक्स देखना है, हेडर फाइल्स वगैरह को देखेंगे, हेडर फाइल्स वगैरह कैसे लिख सकते हैं, ओल्ड कंपाइलर्स में C++ कैसे यूज़ होती थी, न्यू कंपाइलर्स में C++ कैसे यूज़ होगी। फिर इनपुट आउटपुट के तो दोनों फंक्शंस हैं, जिसे सी इन सी आउट कहते हैं हम लोग, वो किस तरीके से हमारे पास काम करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स भी करेंगे। इसके बाद हम लोग फिर इफ एल्स की तरफ भी सी स्ट्रक्चर्स, जिसमें इफ एल्स एंड स्विच है, वो भी देखेंगे। फिर इनकी भी एग्जाम्पल्स वगैरह कुछ करेंगे। और फिर इसी तरह साथ के साथ हम लूपिंग स्ट्रक्चर्स भी, लूप के अंदर वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप, फिर इनकी एग्जाम्पल्स भी करेंगे। और इन एग्जाम्पल्स के साथ साथ सबकी जब भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, उन एग्जाम्पल्स के वीडियो डिस्क्रिप्शंस के अंदर हम लोग लिंक प्लेस करेंगे, जिसमें फर्दर और एग्जाम्पल्स भी मौजूद होंगी, और जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए साथ उनकी भी डॉक फाइल्स आप लोगों को मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा एरे का टॉपिक होगा। हम लोग एरे में देखेंगे 1D एरे एंड 2D एरे क्या होते हैं, जिसमें सर्चिंग होती है, सॉर्टिंग हमारे पास क्या होती है, किस तरीके से हो सकती है। इसी तरह इसके फिर कुछ एग्जांपल्स वगैरह करेंगे। फिर स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप किस तरीके से C++ में बनती है, एग्जांपल्स देखेंगे स्ट्रक्चर्स की। इसी तरह फंक्शंस हैं उनकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर फाइल हैंडलिंग उनकी एग्जांपल्स। यहाँ हमारा टोटल कंटेंट ख़त्म होता है। यहाँ इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारे के सारे कंप्लीट करें, और इंशाल्लाह एक महीने में हम लोग सारा का सारा कॉन्टेंट अचीव करें, ताकि फिर फर्दर एडवांस प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। इसके हम लोग दो पार्ट क्रिएट करेंगे। एक तो ये हमारे पास प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होगी, सिंपल हमारे पास जो कंटेंट है। इसके बाद हम लोग सेकेंडली जनरेट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे। फिर डिसाइड करेंगे कि वो C++ से करनी है या जावा से करेंगे हम लोग। तो आज अब हिस्ट्री देखते हैं हम लोग कि इसमें हमारे पास हिस्ट्री में 1980 के अंदर ये बजरान स्टार्टअप ने बताई थी। तो ये इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में ये लैंग्वेज सी ही है। उसके अंदर हम लोगों के प्रॉब्लम ये थी कि रियल लाइफ जो प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशंस मौजूद नहीं थे सी के अंदर। तो सी के अंदर फिर ऊप के कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, दैट्स वाई सी C++ में कन्वर्ट हो गई। तो इसलिए हम लोग इसको C++ बोलते हैं, क्योंकि सी का ये +++ वर्जन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ओप्स के कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए, इसलिए C++ में कन्वर्ट हो गई हमारे पास। और भी प्रॉब्लम्स थी, लाइक हमारे पास अब ये डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बना सकती है। अब ये दोनों किस्म के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, दोनों किस्म के सॉफ्टवेयर्स वगैरह को बनाने के लिए कैपेबल है। तो ये कुछ उसके बारे में लिखा हुआ है, लैंग्वेजेस के बारे में, कौन सी लैंग्वेज किस वक्त बनी और उसका डेवलपर कौन था, किसने डेवलप की। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद इसके फीचर्स हैं हमारे पास C++ के सबसे बड़े, मतलब जो इम्पोर्टेंस है, डेफिनेटली किसी चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है तो कुछ ना कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से उसे अडॉप्ट किया जाता है, कि इसका प्रोग्राम लिखना इंतहाई सिंपल है, इजी है हमारे पास, और ये मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब पोर्टेबल है। लाजमी नहीं है कि पहले जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, हम लोग जिस तरह से असेंबली की अगर बात करें, वो जिस मशीन पर बन गई थी उसी मशीन पर रन होती थी, ये ऐसा नहीं है। इसको हमारे पास
एक कंपाइलर में एक जगह पर, एक सिस्टम पर, एक मेटोला के प्रोसेसर पर बना लिया, तो हम आईबीएम के प्रोसेसर पर भी जाकर इसको हम लोग रन कर सकते हैं, इसके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को। तो इसी तरह मल्टी लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम्स हैं, अकल स्ट्रक्चर्ड है हमारे पास, स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स है इसका, पूरी दुनिया में कहीं भी हम लोग देखेंगे तो इसका सिंटैक्स सेम ही मिलेगा। काफ़ी सारी लाइब्रेरीज मौजूद हैं, बहुत रिच लाइब्रेरीज हैं, दैट्स वाई इसलिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के अंदर अभी भी C++ ही यूज़ हो रही है। मेमोरी मैनेजमेंट्स वगैरह जो बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर्स हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट जो रैम पे होता है वो भी मेमोरी मैनेजमेंट पे होता है, स्पीड फास्ट होती है, पॉइंटर्स का यूज़ है हमारे पास, रिकर्जन्स होती हैं, एक्सटेंसिबल है मतलब बढ़ाया जा सकता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो सकती है, और हमारे पास कंपाइलर बेस्ड है क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स तो होते हैं ना, एक तो कंपाइलर, एक इंटरप्रेटर, लैंग्वेज टू ट्रांसलेटर्स हैं। तो कंपाइलर क्या करता है, एज अ होल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है हाई लेवल से लो लेवल में, और इंटरप्रेटर लाइन बाई लाइन, वो लाइन बाय लाइन वाला ना वो थोड़ा सा स्लो है एग्जीक्यूशन में, दैट्स व्हाई कंपाइलर है, तो इसलिए स्पीड फास्ट स्पीड भी है हमारे पास। अब हम लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका मैं डाउनलोडिंग का लिंक आपको गूगल ड्राइव का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड की कर लीजिएगा। हम लोग जो कंपाइलर यूज़ करेंगे वो होगा कोड ब्लॉक, कोड ब्लॉक को हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन का तरीका कार वैसे दिखा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी इंस्टॉलेशन बताऊंगा। हमारे पास कोड ब्लॉक का सॉफ्टवेयर होगा, उस पर हम डबल क्लिक करेंगे, फिर इंस्टॉल हो जाएगा, फिर एग्री पर, फिर नेक्स्ट का ऑप्शन, और फिर इसके बाद इंस्टॉल, देन इंस्टॉलेशन कम्प्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन कम्प्लीट होती है। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट जो वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें बेसिक सिंटैक्स हम लोगों ने देखना, उस वक्त हम लोग इसकी इंस्टॉलेशन भी करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको बेसिक सिंटैक्स भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का मौजूद है, आपको इंस्टॉलेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।